हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं सर दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं ये दो लाइनर। बेसिकली दोस्तों ये आते हैं एटीए प्रो की तरफ से, और आपकी काफी ज्यादा डिमांड थी कि भैया हमें ड्यूल के लाइनर दिखाइए, फिट करके दिखाइए, कैसे फिटिंग करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, स्पीकर कौन से होते हैं, न्यूडियम होते हैं तो किस टाइप के होते हैं, कौन सी क्वालिटी होती है, वो भी अनबॉक्सिंग करके दिखाइए। तो लीजिए दोस्तों, ये है मेरे पास में लाइनर है, और यहाँ पे क्वालिटी एक नंबर रहने वाली है, टेस्टिंग भी एक नंबर रहने वाला है, और सारी डिटेल मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो है वो फ्लेयर हम ओपन कर चुके हैं, और अभी जो कैबिनेट की क्वालिटी है, एक्चुअल जो कैबिनेट की क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये आ जाता है हमारा एचएफ का एरिया, ये आ जाता है हमारा स्पीकर का एरिया, और ये आ जाता है सेकंड स्पीकर का एरिया बेसिकली दोस्तों। और इसके ऊपर भी एक प्लेट लगती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्लेट होती है। साइड में आप देख सकते हैं ये है साइड फिटिंग इसकी, तो ये आप इसके जो साइड फिटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी आपको मिलती है। ये देखिए, ये आपको एसएस जो है वो प्योर क्वालिटी वाला मिल जाता है। पेंट का जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंट की क्वालिटी को। और ये साइड हो गया, बाकी इसके जो पीछे प्लेट लगती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ग्लास होल डाल रखा है ताकि जो ऑडियो है वो और क्लियरिटी आपकी बढ़ जाए। ये सेट से हो गया दोस्तों, और काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और एक्चुअल जो साइज़ है वही आपको दिया जाएगा। बाकी मैं इसकी जो बैक प्लेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है इसकी बैक प्लेट, जो कनेक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन प्लस वन माइनस रखना है इसके अंदर, और ये कनेक्शन वायर हो गई सिंपली। तो दोस्तों ये है इसका फ्लेयर, और यहाँ पे फ्लेयर निकाला जा रहा है। इसके अंदर अभी हम जो है वो एचएफ ड्राइवर फिट करेंगे। तो यहाँ पे ये फ्लेयर एलिंगी बोल्ट से टाइट करा जाता है। ये फ्लेयर की क्वालिटी को देख सकते हैं, सिंपली आपको जो है वो यहाँ से ये चार इसके अंदर लगे होते हैं, चार इसके अंदर बोल्ट लगे होते हैं। खोलना है, दोनों फ्लेयर आ जाएंगे। जो एचएफ ड्राइवर है वो मैं दिखाऊंगा कौन सा हम एचएफ ड्राइवर इसके अंदर फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो एचएफ और नेटवर्क प्लेट है वो कौन सा यूज़ करा जा रहा है, तो यह रहता है दोस्तों हमारा एटीआई प्रो का। और यहाँ पे ये आप जो है वो एचएफ ड्राइवर देख सकते हैं, क्वालिटी है इसकी एचएफ ड्राइवर की, और ये न्यूडियम में है दोस्तों, 110 वाट का एचएफ रहता है ये। और जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको न्यूडियम मैग्नेट देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये आ जाता है न्यूडियम मैग्नेट, और ये क्वालिटी आप एचएफ की देख सकते हैं, जो कि फिट होता है वो मैं आपको कैसे फिट होता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये चार होल हैं, यहाँ पे जो हमारा फ्लेयर है उसके अंदर भी चार होल में दे रखे हैं। सिंपली आपको ऐसे बिठाना है और यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। और साथ ही दोस्तों जो हमारा नेटवर्क प्लेट है वो हमारा देख सकते हैं एटीआई प्रो का है, जिसकी क्वालिटी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नेटवर्क प्लेट आ जाती है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हाई एंड स्पीकर, यानी ये इन हो गया, फिर हमारा LF1 हो गया, फिर हाई हो गया, और फिर ये HF हो गया, जो HF हो गए हमारे, और ये LF हमारे जो कि हम स्पीकर में डालेंगे उसका हो गया। बाकी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं ब्लैक PCB में है ATI Pro के, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको फिट करता हूँ, कैसे फिट करते हैं वो भी मैं आपको, ये है हमारा फ्लेयर टाइट हो चुका है, जो कि कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आप चार बोल्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे आप चार बोल्ट को देख सकते हैं, ये रहता है फ्लेयर, और ये क्वालिटी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलते हैं फिर, अभी हम इसको कैबिनेट फिट करके देखेंगे कैसे फिट होता है और वायरिंग कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये जो है वो नेट्रो प्लेट फिट हो चुकी है, और यहां पे मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे फिटिंग हो रखी है। ये देख सकते हैं इनपुट हो चुकी है, और ये सारे आउटपुट है, तो उस साइड भी आउटपुट जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यह आ जाता है हमारे इस स्पीकर के लिए, यानी हम जो स्पीकर मैंने आपको जैसा कि दिखाया हम 12 इंच 72 इंची में यूज कर रहे हैं, तो इसमें कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ। सो जो हमारे स्पीकर हैं लाइनर के, उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ, आपको अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा हमारे पैकिंग से बिल्कुल नया का नया। तो ये आ गया, और ये आ गया हमारा, और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये एक सिंगल पैकिंग है, इसके अंदर भी एक और पैकिंग होती है, तो ये आप देख सकते हैं ये होती है दोस्तों बिल्कुल हार्ड पैकिंग। ये आ गया, और ये आ गया हमारा स्पीकर, ये देख सकते हैं
जिसकी आप फोन की मटेरियल की क्वालिटी देख सकते हैं कैसी है। डस्ट कैप को यहाँ पे चारकोल गम से यूज करा गया है। साथ ही दोस्तों पीछे अगर मैं आपको नियोडिमियम मैग्नेट दिखाने की कोशिश करूँ और इसका जो मॉडल नंबर है वो है दोस्तों 12 इंच 76 ATI Pro, काफी फेमस मॉडल है। पावर जो है वो एक्चुअली आपको देखने को मिल जाता है, SPL DB भी आपको मेंशन कर रखा है, RMS पावर भी है, मैक्स पावर भी आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, वॉइस कॉल साइज भी है, इम्पीडेंस भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, और ये साइड में ये मैग्नेट आ जाती है कुछ इस टाइप की क्वालिटी की। चलते हैं इसको मैं फिट कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ, कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो वायर कनेक्शन हो रहा है और ये यहाँ पे अब वायर देख सकते हैं ये लगाई जा रही है। आपको ध्यान देना है रेड में रेड लगे, ब्लैक में ब्लैक लगे, उल्टा ना हो, तो इससे जो थ्रोट है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी हम फिट कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, हमारा बचता है HF, तो HF भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अभी जो है वो HF ऐसे लगाएंगे, जो वायर के कनेक्शन होते हैं वो हमेशा HF के वॉटेक में पीछे से होते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे इसके जो बोल्ट्स हैं वो हम लगाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको जो है वो एलेंकी बोल्ट का यूज होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसे सारे एलेंकी बोल्ट लगा के फिर हम उसे हमारे दूसरे स्पीकर फिट होते हुए, क्योंकि सारे बोल्ट कस जाते हैं स्पीकर के भी, बाकी हम तो HF के टाइट कर चुके हैं, इसके टाइट कर चुके हैं। और ग्रिल पे आप देख सकते हैं ATI Pro की ब्रांडिंग है। साथ में दोस्तों ये देख सकते हैं इसको साइड से टिल्ट करा जाता है ताकि मजबूती के लिए, और ये ग्रिल कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप फिट होते हुए देखने को मिल जाता है, ये ऐसे फिट हो जाता है। और यहाँ पे ये हमारे भाई कस रहे हैं, और इसके बीच में जो ऊपर की साइड भी ग्रिल लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ जाता है दोस्तों, ये इसके इस साइड से लगाया जाता है, जो कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर एक ग्रिल टाइट होने के बाद फिर मिलते हैं। ये है साइड लुकिंग, यहाँ से इसको फिट करा जा रहा है, मशीन से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग दी जाती है ताकि कोई भी बोल्ट टाइट ना रहे। और ये आप देख सकते हैं गैपिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, ये वाला भी टाइट होगा तो यहाँ से भी जो गैपिंग आपको दिखेगी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और इसको टाइट करते हैं, ये हो गया। अब सेम यही हम अपने यहाँ सामने वाले में लगाएंगे जो कि ये रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा जाएगा। तो दोनों को टाइट, इसको भी टाइट कर लेते हैं, ये तो टाइट हो चुका है, फिर हम मिलते हैं। तो दोस्तों ये रेडी हो चुका है और ग्रिल लग चुकी है, यहाँ पे सारी चीजें फ्रंट से जो है वो बिल्कुल टाइट फिट और कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं बैक साइड जहाँ पे हमारी पीछे की प्लेट होगी, साथ में हमारे HF के कनेक्शन होंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होंगे। पे देखेंगे HF के कनेक्शन, तो मैं HF के कनेक्शन आपको समझा दे रहा हूँ। सिंपली जो ये है इनपुट जो कि हमारे नेटो प्लेट में जा रही है, इसको बिल्कुल अलग कर देना है जो कि हमारे ये वाली प्लेट में जाके कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, बाकी हमारे पास ये बचती है चार वायरें, दो रेड हैं दो ब्लैक हैं, तो दो आपकी इधर आ गई रेड एंड ब्लैक, दो इधर चलेगी रेड एंड ब्लैक HF, ये दो लगे हैं और यहाँ पे ये हो गया। इसको मैं फिट यानी कनेक्शन करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों ये वायरिंग लग चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारी वायरिंग लग चुकी है, और ये आ जाती है नेटवर्क प्लेट की। यहाँ पे आपको जरूर गार्ड मार देनी है अगर वायर हो आपके पास, इससे बाई चांस खींचेगी नहीं अगर आप निकालते हैं एग्जाम से। और इसको सिंपली आपको क्या करना है, इधर लेना है और ऐसे फिट कर देना है, और यहाँ पे जितने भी बोल्ट्स हैं ये पेचेस हैं वो सारे कस के इसको फिर हम, ये हो रहा है टाइट हमारा प्लेट, पैक करा के बहुत बढ़िया तरीके से पैक करा के लगाया भैया, लिख लो मिलन बाइक में ये क्या रेट क्या दौड़ होता आपको डिस्काउंट तो ये कंप्लीट टाइट हो चुका है। चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट चीज जो कि टेस्टिंग है वो हम देख लें। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और यहाँ से हम सॉन्ग प्ले करते हैं। Oh, 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 oh
यहाँ पे वॉटर टैंक की हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट करना। मेहनत लगी हो, थोड़ी सी मेहनत लगी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना इस वीडियो को। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल कहाँ से होगा, प्राइस डिटेल क्या है वो हमारे मेन में रहता है। नीचे दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, जाके पता कर सकते हो दोनों तरीके से। और यहाँ पे प्राइस अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डॉलर, अकॉर्डिंग टू टैक्स, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो आप नहीं जानते तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बेसिकली वीडियो दोस्तों आज की इस डेट पर नहीं, लेकिन मैं आज का डेट का जो प्राइस है इसे अगर इस वीडियो में बोल देता हूँ तो हमारे फ्यूचर वाले जो दोस्त हैं उनको काफी परेशानी हो जाती है। इसलिए एट द टाइम आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको प्राइस पता लग जाएगी। और भी प्रोडक्ट अगर आपको एटीआई प्रो के चाहिए हो तो भी नीचे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा भी है, कंपनी का भी आपको कस्टमर केयर नंबर दे दिया है, दोनों से जाके आप पता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, थोड़ी सी मेहनत लगी अपने छोटे भाई की तो प्लीज लाइक करके जाना इस वीडियो को, शेयर करें ज्यादा ज्यादा। इस चैनल को सब्सक्राइबर है 3 लाख के बहुत करीब है, सपोर्ट दिखाते हुए, प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।